कुछ इस तरह का डिजाइन में क्या आप भी चाहते हैं आपका खिड़की ऐसा हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अब ये डिजाइन नहीं समझ में आया, जरा ये देखिए, कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको ये, ठीक है। ऐसा डिजाइन रहेगा, थोड़ा सा जो है प्रोजेक्शन होकर के नीचे से लेकर ऊपर तक आप यहाँ देखिए। अब इसको बनाने क्या तरीका है, तीन स्टेप है। क्या ये ब्रिक से बनेगा या कंक्रीट से बनेगा, इसी के बारे में बताएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो है नीचे से सपोर्ट लगाया गया है ईंट चिनाई के समय। अब ये ईंट प्रोजेक्शन कितना निकला हुआ है वो भी बताएंगे, और स्टेप बाय स्टेप ब्रिक काउंट करके हम आपको दिखाएंगे कि निकालने का तरीका को लेकर के जो है इस डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन बनने के बाद जो है बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले पहला जो लेयर होगा आपका ब्रिक का, और ये डिपेंड करता है आपका साइज के ऊपर, आप साइज कितना भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक ये तो पार्किंग वाला जो है बड़ा साइज है, ईट जुराइज हुआ है, ठीक है। और ये जो है बस 3 इंची बाहर निकाला गया, 9 इंची का ईट है, 3 इंची बस बाहर निकला है। ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। और आप बोलेंगे सर यहाँ पे RCC करना ज़रूरी है क्या? यहाँ RCC करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर 4 इंची से ज़्यादा हम निकालते आपका कैंटिलीवर मतलब आगे प्रोजेक्शन, तो आपको तब जा कर के हम जो यहाँ पे RCC नीचे सपोर्ट देते, ढलाई करते, तब उसके ऊपर ईट की चिनाई करते। तो यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ जरा देखिए, एक ईटा बाहर निकाल दिया गया है, फिर 3 इंची ही जो है 3 इंची दोनों साइड निकाला गया। तो पहला स्टेप क्या हो गया, 3 फीट के हाइट में पहुंचने से पहले, मतलब 33 इंच में पहुंचने से पहले जो है DPC लेवल से हमने एक ईट बाहर निकाल दिया, कितना 3 इंची, वही बड़ा बड़ा पीस का रहेगा। उसके बाद इसकी मजबूती के लिए और एक ईट जो है दोनों साइड निकाला, क्योंकि वो ईट जो है ये पूरा ऊपर तक जाएगा। देखिए पहला ईट निकला प्रोजेक्शन, तो 9 3 इंची बाहर निकल गया, 12 इंची का ये हो गया। और याद रहे यहाँ पे कम से कम 1 इंची का कंक्रीट कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी तरह का लोड आए इसके ऊपर तो ये उधर गिरे नहीं, ठीक है। ये कंक्रीट जो है यहाँ तक रहेगा, और इसी के ऊपर, इसमें रेनफोर्समेंट बिल्कुल यूज नहीं होगा, इसी के ऊपर ज़रा देखिएगा, काउंट कीजिए आप, ये 3 स्टेप, दो दो ईटा का 3 स्टेप निकल रहा, और इसके ऊपर फिर जो है छज्जा बन जाएगा। तो पहला हम इसको निकालें, ठीक है। उसके बाद अब देखिए काउंट कीजिए कितना ईट लगाना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 ईट के बाद जो है 8वां और 9वां ईट जो है 3 इंची और बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 15 इंची ये हो गया, पहले 9 इंची का दीवार था, ध्यान दीजिएगा, 9 इंची का दीवार में हमने जो है बनाया पहले 12 इंची का बेस बना दिया, 12 इंची के बाद फिर से जो है उसी 12 इंची को ले गए 7 ईटा के बाद, 8वां 9वां में उसको क्या किए 15 इंची कर दिए। उसके बाद फिर उसके बाद 10वां और 11वां में आपका 3 इंची और बाहर कर दीजिए, कितना हो गया, तो 12 यहाँ हो गया, यहाँ 15 और 15 3 18 और 21 टोटल जो है। और फिर जो सबसे टॉप की बात करते हैं, वहाँ पे जो है 2 ईट और जो है, मतलब 8वां 9वां हो गया, 10वां 11वां में 15 हो गया, 18 हो गया, 12वां 13वां में जो है आपका जो कि 7 फीट हाइट आ गया है आपका 21 इंच हो गया। तो ऐसे करके प्रोजेक्शन निकलेगा, और जब ये बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे देखिए प्लास्टर सब हो जाने के बाद ये खिड़की का, और इसमें खिड़की के साइज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं होती है, कुछ कन्फ्यूजन है तभी हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा आपको खिड़की दिखेगा ये, और इसके ऊपर फिर ये एरिया जो है छत ढलाई हो जाएगा,
ठीक है, छत ढलाई हो, इसके ऊपर प्रोजेक्शन, छत कैंटिलीवर, छत ढलाई लिंटेल में, तो देखने में बहुत ही शानदार दिखेगा और बाहर से लुक भी बहुत ही गजब दिखेगा। पेंट अगर आप दो कलर में कर दें इसे पट्टी टाइप में, ये और भी आपको अच्छा दिखेगा। ये तरीका है दोस्तों। अब हम कुछ स्टैंडर्ड साइज ऑफ खिड़की की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है बेडरूम का जो खिड़की दिए हैं ये 4 फीट 6 इंची बाय 4 फीट का हाइट दिए हैं। किचन का जो खिड़की दिए है 3 फीट बाय 4 फीट का दिए है। बेडरूम का भी 4 फीट 6 इंची बाय 4 फीट का दिए है। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें 3 फीट से लेकर के 7 फीट तक हमको लेकर चलना है प्रोजेक्शन को लेकर के। फिर से पहला लेयर ब्रिक का किए 9 इंची से इसको कर दिए 12 इंची, ठीक है। फिर उस पर 1 2 3 4 5 6 7 जो है हम ब्रिक किए। फिर उसके बाद जो है 8वां 9वां जो है 15 इंची कर दिए। फिर जो है 10वां 11वां जो है 18 इंची कर दिए। 12वां 13 जो है आपका 21 इंची कर दिए। तो इस तरीके से 7 फीट मेरा आ गया। 13वां 13 ईटा करने के बाद जो है 7 फीट का आ गया और ऐसे में हम जो है आराम से इसको प्रोजेक्शन कर दिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने खिड़की का डिज़ाइन बना सकते हैं। और अभी बहुत लोग जो है बॉक्स विंडो बनाते हैं, बहुत लोग प्लेन कर देते हैं, बहुत लोग बस ऊपर में जो है छज्जा दे देते हैं। ये आपके ऊपर का चॉइस है कि आपको किस हिसाब से जो है खिड़की बनाना है। अब ये देखिए अभी से ही कितना शानदार दिख रहा है। जब ये बन जाएगा इसके ऊपर छत, जब पेंट पुट्टी हो जाएगा तब फिर से हम आपको एक तो वीडियो बना के दिखाएंगे जिसमें आप भी बोलेंगे हाँ सर एकदम बहुत शानदार दिख रहा है। प्रोजेक्शन 3-3 इंच ही निकालना है, याद रहना चाहिए। ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से दिखेगा, तभी से हम अंदर से दिखा रहे थे, अभी बाहर से दिखा रहे हैं। ये देखिए 3 इंची बाहर निकला था ये वाला लेयर, पहला वाला लेयर 33 इंची में। फिर वो 3 फिट उसका बेस बन गया 36 इंची। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से जो है आपका डिज़ाइन बनेगा और फिर ऊपर वाला लेयर में जो है ढलाई हो जाएगा प्रोजेक्शन टाइप का और शानदार ये दिखेगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए सब क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।